अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहुत अच्छे हैं। लगभग एक हफ्ते से मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ, इस वजह से मेरा एक हफ्ते पहले का दशहरा का व्लॉग भी पेंडिंग था, तो उसे भी मैंने अभी साफ़ किया है। और अभी मैं छत पे हूँ, हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं घर में पूरा, अभी हम आने वाले हैं तो इस वजह से घर का पूरा जो साफ़ सफाई का काम है इधर उधर अरेंज करना, उधर भी इधर भी, तो इस वजह से मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ। अभी मैं छत पे हूँ, ये हमने कल साफ़ किया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने कल परसों साफ़ किया और कल पानी से धोया है पूरा। नीचे भी हमने बहुत सारा काम किया है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ। कोई और रहता कैमरामैन तो वो चलता, कैमरामैन इन द सेंस सब मेरे बहन भाई ये सब वो लोग कर देते चलता, लेकिन हम लोग पूरा सबको ही काम कर रहे हैं। इस वजह से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये टाइल्स भी कल साफ़ हो गया है पूरा। अब चलिए नीचे, ये आज यहाँ तक मैंने कल धो दिया था, उसके बाद अब बालू ऊपर भी चला गया है तो उसको फिर से हम साफ़ करेंगे, पानी से पूरा धोएंगे। और बस चलिए दिखाती हूँ आपको नीचे कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अरे उठ गई सना, उठ गई, उठ गई। और ले ले ले, क्या कर रही हो बताओ, क्या कर रही हो? क्या नाखून खराब हो गया? कैसे? ऐसा ऐसा। चलो जाओ काम करो। अब मैं यहाँ से मैंने जो छोटे छोटे तीन चार क्लिप्स लिए हैं वो अटैच करूँगी जो काम हो रहा था। ये देखिए ये दरवाज़ा बन रहा है और यहाँ पे बिजली का काम भी साथ ही साथ चल रहा है क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। हेलो, यहाँ फिलहाल टैप्स लग रहे हैं और साथ ही साथ पेंट के भी काम चल रहे हैं। तो ये देखिए अभी काफ़ी अंधेरा जैसा दिखता है ये रूम, क्योंकि पूरा हर जगह वाइट वाइट जो पुटी लगा हुआ था उसके हर जगह उजाला दिख रहा था। अभी ये टाइल्स की सफाई चल रही है, टाइल्स आज साफ़ हो जाएगा, उसके बाद हम सामान लेके आएंगे। ये रात हो चुकी है, पूरा सामान यहाँ से हम लोग लेके चले गए हैं वहाँ पे, आपको दिखाती हूँ। हाँ पूरा रूम, वहाँ पे अलमीरा था, यहाँ पर बेड दिन में चला गया, शाम को अलमीरा चला गया, टेबल बाहर का सब कुछ ये पूरा बिखरा पड़ा है। दिन भर लग गया हम लोग को यही सब कुछ करते करते, सो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई अगेन। बस अभी मैं जा रही हूँ नए घर में सोने, ये रहा मेरा रूम, अब मैं जा रही हूँ सोने। ये सना तो कब की सो गई, वो बोल रही थी, हम लोग बोल रहे थे, अंकल चिढ़ा रहे थे उससे कि ये तो हम लोग का रूम है, तुम कहाँ सोओगी? तो कहती है मैं टॉयलेट में सोऊंगी। कहाँ गई, अभी तो यहीं पे थी, सो गई ऐसा लग रहा है। सना सो गई। ये दिन से ही बोल रही थी कि मैं आज आपी के साथ सोऊंगी, तो इस वजह से मुझे इसे उठा के यहाँ पे लाना पड़ा, क्योंकि अगर इसका रात में भी नींद खुल जाएगा तो ये बोलेगी आपके पास जाना है इस वजह से। और कभी बोलती है कि मैं आज अब्बू के साथ सोऊंगी, और अगर नहीं लेके जाया जाता मतलब उसके उनके साथ नहीं सोती तो रात में ही उठ के बोलती है कि मैं अब्बू के साथ सोऊंगी। इसे सोगी, अच्छा इसने डिपस्टिक करवाया हुआ है। मैं भी जा रही हूँ सोने क्योंकि 10 बज चुके हैं और कल भी बहुत ही सुबह उठना है, जल्दी जल्दी सारा काम, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे को, खिड़की साफ़ करना है, दरवाज़ा साफ़ करना है, उसके बाद में कल घर से सब लोग आ रहे हैं तो वही सब काम है। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, कल सुबह भी जल्दी उठना है, कुरान शरीफ भी पढ़ना है, तो बाय गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे कल सुबह। उठ गई, देखो तो लिपस्टिक लगा के सोई हो आप, ऐसा भी होता है कहीं? नहीं होता, गंदी आदत लगा के नहीं सोया जाता। कुछ कुछ
चलो चलो रेडी हो, दादी आ रही है। कौन आ रहा है? दादी और मामा और मामू और मामी मामी ने नाना नाना। अच्छा और कौन आ रहा है? यश भाई। यश भाई वो कौन है भाई? और आंटी और आंटी और बड़े अब्बू। हाँ ठीक है, चलो चलो रेडी हो जाओ, थोड़ा सा बाल बांध लो, भूत जैसी दिख रही हो। वैसे बांधू? हाँ? वैसे अच्छा नहीं दिखता। अच्छा दिखता दिखता है। हाँ ठीक है, चलो 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 उस घर चलो। ये अब निकाल दो, कल से पहना हुआ है आपने, निकाल दो। ओके ओके, पर शादी में जा रहे हैं ना। ठीक है, नाना आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाना, अस्सलाम वालेकुम नाना, सलाम करो नाना से, बोलो अस्सलाम वालेकुम नाना। हमको कुछ ले आई नहीं ना है, हैं? अरे अल्लाह हैं, कुछ ना लेनी हो, कॉफी खाई बाबू। चीज बा रुका ना, अभी नाना के खियावा। अच्छा हेलो हेलो अलीशा, कैसी हो? बोलो। ये मेरे छोटे वाले मामू की बेटी है और ये अंकल का बेटा, इससे तो आप लोग जानते होंगे, पहले भी आया था। और ये कौन है? कौन हो? कहाँ से आ गई? नहीं सोना नहीं, सना सना खातून। हाँ। नहीं नहीं हो, कौन हो, कहाँ से आ गई मेरे घर में? हेलो हेलो बोलिए। हेलो हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है फोन पे बात कर रहे हैं। किसका रूम है ये? अबू अम्मी का रूम है। कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए आइए, इधर आइए जल्दी। अब ये बताइए, ये किसका रूम है? किसका रूम है आप बताइए? हम तो सकल सूरत से देखते हैं कि बेटी दामाद के रूम है। बेटी दामाद नहीं, बेटी का रूम है। लास्ट ये वाईफाई का काम बचा हुआ है, वाईफाई भी आ गया, ये टीवी रखने वाला वहाँ टीवी भी आ गया, तो अब वो भी लग जाएगा। अब वाईफाई की भी टेंशन नहीं। हीरो बन के आ गए, बाल बाल बनवा के, पूरा दाढ़ी वाड़ी बनवा के। मामू बैठे हैं, मामू अंकल बड़े अब्बू और अब्बू के दोस्त जो हैं बचपन के यार, वो लोग घूमने गए हैं, सो उनका वीडियो मैंने ले पाया। और दिन में भी जब मैं गई थी तो वो लोग खाना खा रहे थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं ले पाए। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।